तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं अपना यूट्यूब ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सर्च बार वाले ऑप्शन के जस्ट बगल में आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन मिल जाता है, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम देख सकते हो यूअर चैनल करके दिया है, ठीक है। यूअर चैनल पर आपको एक बार क्लिक कर देना है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपना चैनल को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर पेन के टिक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नेम वाला ऑप्शन दिख रहा है जस्ट प्रोफाइल के नीचे में, ठीक है। इस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना चैनल का नाम यहाँ पर रख देना है जिस नाम से आप अपना यूट्यूब चैनल को चलाना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मैं रख देता हूँ अमित 00 फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हैंडल वाला ऑप्शन मिल जाता है, इस पर भी आपको कुछ भी टाइप कर देना है। ये आपका चैनल का उपनाम होता है जिससे आपका जो चैनल है वो आ जाए सर्च लिस्ट पर, ठीक है। तो आप कुछ भी रख देना इसको, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आपको चैनल का यूआरएल मिल जाता है, यहाँ पर आप ऑटोमेटिक लग जाएगा। जब यहाँ पर आप हैंडल पे डालोगे ना तो ये नीचे में ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ आ जाओगे, ऐड करके यहाँ पर आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख दोगे जिस कैटेगरी से आप वीडियोस अपलोड करते हो ना, उस कैटेगरी को चाहो तो आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इसको भी सेव कर देना है। सेव करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना और आप क्या अपना प्रोफाइल यहाँ पर सेव कर सकते हो। तो प्रोफाइल को सेव कर देना, उसके बाद आपका जो चैनल है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको बैक आ जाना है सेव करने के बाद। उसको सेव करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन दिखता है, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम देख सकते हो क्रिएट अ शॉर्ट वीडियो। अगर आप छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करना चाहते हो ना तो आप शॉर्ट वीडियो पर क्लिक कर लेना, वहाँ से आप क्या है शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर सकते हो। सेकंड में फ्रेंड्स आप देख सकते हो अपलोड अ वीडियो करके लिखा है, इसमें आप लॉन्ग वीडियो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आप जिस कैटेगरी से वीडियो बनाना चाहते हो सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बेस पर आप क्या है अपना वीडियोस अपलोड करो।